आज मैं आपको जानकारी दूंगा ज्योतिष के विषय में, एक ग्रह अस्त हो रहा है, शुक्र स्वराशि में अस्त हो रहा है और साथ में वो उल्टी चाल का भी है, बकरी है, उल्टा और अंधा, अजीब स्थिति है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति आगे ना चल रहा हो, पीछे चल रहा हो और फिर अंधा होके चल रहा हो, तो उसकी तो चाल खत्म हो जाती है, टूट जाता है उसका बल, टूट जाता है। तो हमने इस विषय को लिया है कि आज से दो दिन बाद बकरी शुक्र, स्वराशि का शुक्र अस्त हो जाएगा, अंधा हो जाएगा और ये 7 जून तक रहेगा। तो 7 जून तक इसकी जो स्थिति है वो बहुत पॉजिटिव रहने वाली नहीं है, 9 जून तक। इसके दुष्परिणाम क्या होंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा, और वो उपाय कौन से करने हैं जिससे इसका नेगेटिव इफेक्ट ना पाए, ये भी तो होना चाहिए ना, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा, बताने से पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को भी बताएं, उनको भी रिकमेंड करें। अब मैं शुरुआत करता हूं कि कोई ग्रह अस्त कैसे होता है और बकरी कैसे होता है, और अगर वो अंधा हो जाए, अस्त हो जाए, तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, राजयोग तो मिला लेकिन धृतराष्ट्र बने, अंधे राजा, किसी को पावर मिल जाए लेकिन उस पावर का इस्तेमाल न कर पाता हो, वो अस्त ग्रह योग कारक राजयोग कारक ग्रह के दुष्परिणाम होते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि 5 राशियों पर ये भारी है, 5 राशियों पर इसकी उल्टी गिनती आ रही है क्योंकि उल्टा चल रहा है, इसको ठीक कैसे किया जाए आज ये मैं बताने वाला हूं। जब कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाता है अपनी कक्षा में घूमते घूमते, बिल्कुल सूर्य के नजदीक आ जाए डिग्री के लिए, ये 10 डिग्री के जब आसपास आता है, सूर्य की जो डिग्री होती है उससे विद इन 10 डिग्री अगर आ जाए तो ये अस्त हो जाता है, और बकरी होने में तो 8 डिग्री तक भी हो जाता है, तो 8 से 10 डिग्री के बीच में जैसे ही शुक्र आएगा वैसे ही ये अस्त हो जाएगा। तो 31 तारीख को शाम को, 31 मई को महीने के अंत में ये अंधा हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। तो जिन जिन राशियों का ये स्वामी है, जिन जिन भावों का ये स्वामी है, जिन भावों की जिम्मेवारी इसके पास है, उनको और उनकी जिम्मेवारी को उठाने में ये सक्षम नहीं होगा। मैं अगर अकाउंट मैनेजर हूं और मुझे दिखाई ना दे तो मेरा डिपार्टमेंट खराब हो जाएगा। मैं एथलेटिक्स स्पोर्ट्स मंत्री हूं और मुझे खुद ही नहीं चलना आता हो, दौड़ना आता हो, देखना ना आता हो, तो मैं क्या करूंगा। तो जिस राशि का स्वामी ये होगा वो, और जिस भाव का स्वामी होगा वो, उनको ये नुकसान करेगा। अब हमें क्या करना है कि इसको आंखें देनी है। अगर हम शुक्र को आंखें दे दें, सूर्य की रोशनी इसके नजदीक है, सूर्य की रोशनी से इसकी रोशनी को खत्म कर दिया है, अब सूर्य की रोशनी के सामने अगर बिजली की रोशनी हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम तो रात्रि का इंतजार कर सकते हैं। या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें लाइट ही चाहिए कैमरे की तरह, तो हम सनलाइट को कम करें, छाया डाल करें, वही उपाय होता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी 5 राशि है जिनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। उल्टी गिनती का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा होगा, लेकिन ये है कि रिवर्स, उल्टा, इतने ऊपर चढ़े नीचे आ रहे, 100 ऊपर चढ़े अब 99, 98, 97, 96, 95, 94, 99, 90 पे आ रहे हैं, 91, 92, उल्टे आ रहे हैं आप। यानी जितनी प्रोग्रेस करी, शेयर बाजार में जितने ऊपर गए उतने डाउन, जुए में जितना जीता डाउन, यानी सट्टे में जितना जीता सब डाउन, यानी डूबने का टाइम, अब उसको रोकना है। पहली बात, जो आप इस तरह के काम कर रहे हैं, जुए सट्टे लॉटरी, जिनमें आप बहुत ऊंचाई को चढ़ चुके हैं, वहीं पर उसको सस्टेन कर दें, उसको रोक दें, अब ना खेलें। पहली बात, जितना कमा लिया है उतने समय के लिए 9 जून तक इसको रोकें, उसके बाद फिर शुरुआत कर सकते हैं जब उदय हो जाएगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली राशि है मेष,
मेष राशि में धन का डिपार्टमेंट और वैवाहिक जीवन का डिपार्टमेंट, पार्टनरशिप का डिपार्टमेंट शुक्र के पास है, उल्टा है और अस्त भी है और मार्केस भी है, क्योंकि द्वितीय और सप्तम प्रबल मार्केस होते हैं। आयु खंड जिनका है बुजुर्ग अवस्था में है, संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनको कष्टकारी योग बनता है आयु के लिए। इसके लिए आपको सूर्य की पूजा करनी है और मंगल की भी पूजा करनी है। एक तो अंधा, एक उल्टा और एक मंगल की दृष्टि भी है इसके ऊपर। तो यहाँ मार्केस मंगल की दृष्टि भी है, तो हनुमान जी की पूजा, लाल रंग का चोला चढ़ाना, मंगलवार का व्रत करना और साथ में शुक्र को मजबूत करना, शुक्र से संबंधित किसी भी चीज़ का दान नहीं देना। यानी आप ओपल पहने, हीरा पहने, अमेरिकन डायमंड पहने, शुक्र से संबंधित श्वेत कपड़े का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। दही का सेवन ज़्यादा करें, खट्टी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, शुक्र को मजबूत करें तो आपके स्वास्थ्य पर इम्प्रूवमेंट आएगा। वृष राशि के लिए राजयोग कारक है, आपके लिए बड़ा अच्छा है लेकिन अंधा है। तो राजा तो बनोगे, पावरें कम हो जाएंगी आपकी, हो सकता है कहीं ऐसी जगह पर। मिथुन राशि के लिए बारम भाव में अस्त है, संतान के लिए कष्टकारी है थोड़ा सा, तो संतान को बोलें 9 तारीख तक गाड़ी तेज न चलाए, स्पीड में न चलाए, गर्भवती महिलाओं को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तुला राशि की मैं बात करूंगा, तुला राशि में स्वयं ये षडाष्टक योग बना करके मृत्यु स्थान में हैं। आपकी राशि का स्वामी है, आपके आयु का स्वामी है, अस्त होकर मृत्यु स्थान में बैठा है, मंगल की चौथी दृष्टि में है, बकरी है, उल्टा है, तो यहाँ पर तो लंबी आयु के लिए आपको ओपल पहनना ही होगा, हीरा पहनना ही होगा, सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करना है, सतनाजा दान करना है, गेहूं का दान करना है, और सूर्य के मंत्रों को रोज जाप करें, ओम गिरणी सूर्याय नमः, मंगल के मंत्रों का रोज जाप करें, ओम भो भूमाय नमः, वैदिक मंत्र है उसको रोज जाप करना है, मंगलवार का भी व्रत करना है, लाल चीज़ों का, मैरून चीज़ों का दान कर सकते हैं, खट्टी चीज़ों का दान बिल्कुल नहीं करना, ये ध्यान रखें तो फिर इम्प्रूवमेंट आएगा। अब हम धनु राशि की बात करते हैं, तो धनु राशि का स्वामी स्वयं एक तो नीच का होकर के चल रहा है, वो भी बकरी है, रोगेश है, रोगेश से रोगेश है, यानी छठा और छठे से छठा का स्वामी है, और साथ में अस्त और मंगल की दृष्टि में छठे भाव में किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लमें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ सूर्य का दान, मंगल का दान और शुक्र को मजबूत करना तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सफ़ेद चीज़ों का दान बिल्कुल नहीं करना। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन है। मीन राशि में तो ये वैसे ही मार्केश होता है, अष्टमेश होता है और अष्टम से अष्टम तृतीयेश होता है, दोनों आयु के डिपार्टमेंट हैं, उनको लेके अस्त है, बकरी भी है, सूर्य के साथ है, मंगल की चौथी निगाह में है, उसकी दृष्टि में है, और मीन लग्न में मंगल भी मार्केस होता है और शुक्र भी मार्केस होता है, एक मार्केस दूसरे मार्केस को देख रहा है, तो थोड़ा सा कष्टकारी योग बनता है, इसलिए मीन वालों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मंगलवार की पूजा, सूर्य को जल चढ़ाना है, शुक्र को मजबूत करना है और इससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको आएगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने की कोशिश करें, सूर्यदेव को प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव मेरे शुक्र को ठीक करिए। तो 9 जून तक ये कष्टकारी है, तो मैंने कहा 3 उपाय इसके अंदर बहुत जरूरी हैं, बड़े सिंपल हैं, मंगलवार की पूजा, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का प्रसाद, सूर्य को जल चढ़ाना, गेहूं गुड़ का दान करना और साथ में आपको शुक्र का नग ओपल पहन के रखना, ये 3 उपाय हैं, इन बुरे कष्ट को निकाल देंगे। तो ये था इन 5 राशियों पर प्रभाव, आगे भी नई जानकारी लेकर के फिर आऊँगा। अब आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार।
और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।